हमीरपुर दौरे पर आए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बच्चों से मुलाकात कर बच्चों को गोद में उठाकर खिलाया। हमीरपुर की रहने वाली गर्भवती महिला जिसे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की दखल के बाद जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसका सीजर ऑपरेशन हुआ और बेटे को उसने जन्म दिया। सपना 9वें दिन डिस्चार्ज होकर घर चली गई। डिप्टी सीएम से मिली मदद के बाद पुत्र का नाम बृजेश रखकर नवजात के अभिभावक चर्चा में थे। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर कहा था कि जब हमीरपुर आएंगे तब बच्चे और परिवार से मुलाकात करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि बच्चे और उसके परिवार की जिंदगी भर मदद भी करेंगे। वही डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि केंद्र और यूपी की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा कदम उठा रही है। इस बात की चिंता हमारी सरकार लगातार कर रही है। केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं और प्रदेश सरकार की एक एक योजना धरातल पर आम जनता तक पहुंचे, इसका स्थलीय परीक्षण करने के लिए हम लोग लगातार बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। बुंदेलखंड के प्रवास के दौरान सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने पीने के पानी की होती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से घर घर जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाया जा रहा है। शीघ्र ही पूरे बुंदेलखंड में एक एक घर में नल से जल पहुंचेगा। जहां पहले टैंकर से रेल से पानी मंगाना पड़ता था, ये सब माननीय मोदी जी की देन है। बिजली के मामले में आप देखेंगे आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले मात्र कुछ जिलों को बिजली जाती थी, वीआईपी जिलों में, अब सभी जिले वीआईपी हैं। बुंदेलखंड बिजली को लेकर के हमारी प्राथमिकता की सूची में है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो, यहाँ जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। चिकित्सकों के जो पद खाली हैं उनको भरे जाने के लिए आज हम जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को निर्देश देंगे। और आधारभूत जो समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सारी व्यवस्थाओं को धरातल पर नंबर वन बनाने के लिए हम लोग बुंदेलखंड के प्रवासी लोग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।